कहिंदे ने जिंदगी च दो बंदे कदी तरक्की नहीं करनगे, एक जिहड़ा हले पैदा नहीं होया, एक जिहड़ा मर गया। दूसरी गल सारे कि मैं भुल गया की किया सी कि तुसीं सब्जी की गल की, सब्जी जिहड़ी मर्जी लो छापर डबल लाजमी कराओ, तुहानूं आदत है छापर कमाउंदे जाण। ज़रा मैनू कोई थकावट नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना मैनू कोई भुख फील हो रही है, ना मैनू कोई, मैनू यह है कि सवेरे मैं रफी साहब दे भरा नूं मिलना, कुछ ना पुछो बस मैनू हाथ दे दिओ अपना। उन्होंने मैनू हाथ फड़ाया, मैं वो एक एक पौड़ा उन्होंने फड़ के चढ़ाया, उत्ते बह के बैठ सक हूँ सारे बैठे ने, मैं सिर्फ उन्हों का मूँह वेखी जा रहा, तो मेरिया अखा चथरू डिगी जा रहे हैं। दस लै ले, पांच लै ले, तो फिर वो भी हूँ सुबह दे अपना दस बजे ने ना रात दे, तो सुबह दस बजे तक पांच पीने ने। इन्नी कैलकुलेटर नशाई हो तुम, माशाल्लाह अडिक्ट हो ना सिगरेट दे, तो कैलकुलेटेड हो। नहीं नहीं सर, पैसे नहीं होंगे। जड़ा जुगतबाज वाला एक लेबल लग गया ना, वो मैनू कितने कित अंदर मैनू बहुत अपना अपना छोटा महसूस होंगे कि तुहाडा तारफ ही होंगे कि तुसीं तुरे जा रहे जे ओ जानी हो जुगतबाज जा रहे। अस्सलाम वालेकुम, ते जी आया नू, मैं तुहाडा अपना मेज़बान बिलू घुमण, ते तुसीं वेख रहे हो फिलहाल मैनू, ते मेरे नाल कौन बैठा है ऐ, अगर जनाब हाथ पछाण लिया तुसीं, ए भाई ये कोई मेरे हाथ च कोई लाश नहीं, कोई साइकिल चोर नहीं, कोई मोटरसाइकिल चोर नहीं, एक ऐसा करैक्टर है कि जिन्हों मैं पिछले चार पाँच साल तो लभ रहा सा, लेकिन वो मेरे हत्थे नहीं सी चढ़ रहा, ते अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा कि जनाब वो करैक्टर मेरे हाथ च आ गया, साढ़े पाकिस्तान की शान जनाब सज्जाद जानी। बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह, तुसी ते लब्भे ही नहीं सानू, और इंज लगता सी कि जिदा असी किकर थलो बेर लब्भण है। जा जनाब सर, पहले तो हाथ वाला चक्कर जिहड़ा तुसी दिखाया ना, अच्छा। मैं तुहानू एक गल दसा, एक ना मैं यूट्यूब ते वीडियो देख रहा भी कभी आ जी ना कोई कभी कोई कभी कोई, एक वीडियो ते ना थमने लगा भी हाथ पर एक्स का निशान हो तो क्या होता है। अच्छा वो मैं जनाब फौरन बंदा देखदा ना कि यार मैं देखा, वो जिथे उन्होंने एक्स किया ना उन्होंने बड़ा वो दसिया, तो मैं देखिया तो सेम मेरे ना उस जगह पर उन जी, तो मैं उस तो बाद वीडियो देखी तो उन्होंने जो जान दिया मतलब जमाने दियाँ छाइया ना उन्होंने एक्स ते पाइया ने, यह दोनों लाइनों के दरम्यान च है ये। फिर मैं जिन्हें भी पूछा ना उन्हें कहा जी यह बहुत अच्छी चीज़ होंगी है, पता नहीं तो कोई चक्कर होंगे कि नहीं होंगे, तो तुम वैसे मतलब पता नहीं उन्हें कहना मेरा हाथ पछाण इदा गे, तुम तो पछाणन लग पे होना। कहते सत अकाल सलाम सारू, बहुत बहुत प्यार सारू, तो वो जो चार पाँच साल वाली गैप वाली गल की ना, वो चार पाँच साल नहीं सर, कोई दो डेढ़ दो साल कर लो, आ डेढ़ दो साल पहले मुलाकात, क्योंकि दो साल पहले ता मैं शो किया, उस तो बाद फिर मैं उडारी मारी है। मैनू हूँ समझ आई है ए दो तिना साल जो थोड़ा जहा अल्लाह ने कोई नाम चार लोग जानन लग पे, उस तो बाद समझ आई है कि जो ए हो जाता ना उदों गेड़ा करवाना लाजम हो जाता वा, जैनवन गल दस रहे हैं कि उदों फिर तुसी ये तबीयत खराब जी ना किस टाइम जैनवन होंगी है, अगर तुहाडे वर्गे बंदे का फोन आ जाए बंदा नाम ही नहीं कर सकता, वो फिर दूजी भी खराब करनी पैंदी गल कर। अच्छा मैं तुहानूं जैनवन नहीं दसा यार, इहदा प्यार चुके असी साडा यराना बहुत पुराना हैगा, तो स्ट्रगल दे दौर दे असी दोस्त हैगे हैं, तो मैं तुहानूं जैनवन गल दसा, बा खुदा कि कैमरा ऑन करन तो पहला एक निम्स खाधी सजा साहब ने और एक राइजिक 40 mg, यानी कि मुकम्मल आउट ऑफ सॉर्ट्स जिन्हों कहते ना, इन्नी तबीयत खराब सी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार तुसी आए हो ताड़े ना साड़ा प्यार मुहब्बत पुराना, तो असी इंटरव्यू च ना वो कन्वेंशनल गल्ला नहीं करांगे, असी आपस की जिहड़ी आप बीतियां ना वो डिस्कस करांगे। अच्छा सजा साहब, बहुत घट लोगों को पता कि तुसी रफ़ी साहब के डाई हार्ट फैन हो, डाई हार्ट भी शायद कुछ छोटा लफज है, इन्नी तुहानूं रूहानी उन्होंने अकीदत है, तो तुसी वो वाक्या शेयर करो जिहड़ा असी सुनिया कि तुसी किसी ने दस्या तुहानूं कि उन्होंने भाई इछरा होंदे ने, वो जरा काइंडली साडे ऑडियंस नूं सुनाओ अपनी अकीदत का वाक्या। रफ़ी साहब मैं वाकई जी बहुत वड्डा फैन मेरे हिसाब नाल बहुत पिछे रह जांदा कम, क्योंकि मैं जो मैनूं पहली दफ़ा ख्वाब च रफ़ी साहब आए ना ख्वाब च, यानी
कह लो कि 17-18 साल की उम्र च, तो मैं ना एक कापी ते लिख लिया कि मैं भुलना नहीं, कि क्योंकि जो तुम सुबह उठते हो ना तो उदो तुम बहुत कुछ याद हों वा, तो वह कुछ मतलब ख्वाब ऐसा चक्कर आ कि मिनटा घंटिया के ना तुम वो ऐसा 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 ऐसा, फिर एक टाइम आता कि तुम बिल्कुल धुंधला जहा रह जाता। वो फिर मैं जो ख्वाब उठते हैं ना वो मैं जल्दी जल्दी ना लिख लिया कि इस तरह रफ़ी साहब बैठे थे, इस तरह मैं आया, इस तरह उन्होंने मुझे कहा, इस तरह वो सारा मैं लिख लिया। यार यादगार होंगी कि मैं होया, दूजी वारी भी ख्वाब च आ गए, तीजी वारी भी आ गए, मैं लिखना छड़ता। मैं कहना फिर रोज़ का ही काम आ, वैसे नहीं भुलते हूँ। लो जी, को 17 to 18 दफा मैं उन्होंने ख्वाब च मिले रफ़ी साहब न, और उस ख्वाब च इस तरह होया कि वह गा रहे ने, मैं पिछे कीबोर्ड वजा रहा, वो रियाज कर रहे ने, मैं लागे बह गया, तो मैनू भी दसन लग पे कि तू इस तरह, मैनू भी शौक से गाने का। फिर केसटा से मैं उन्होंने नाल खरीद रहा इंडिया किसी शहर के मार्केट च, रफ़ी साहब नाल नाल ने, तो मैं उन्होंने दिखा के खरीद रहा आडियो केसट के, आया देखो आ गाने मैं नहीं सुने, दसो मैनू कैसे ने। तो वो मैं देख के कहते हैं कि यार मैं हूँ आप नहीं याद कि मैं कदों कि इन्ने गाने गाए, यानी इस तरह इन्ना क्लोजली मैं ख्वाब देखी उन्होंने, मुहब्बत सी बस हाले तक भी है। तो वो जनाब मैं बशारत भट साहब ने, अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे, वो बड़े अच्छे सिंगर ने, इछले उन्होंने अकैडमी से, तो मैं नहीं पता इतने रफ़ी साहब आते हैं। मैं बशारत भट साहब मिलन गया उ बैठा, तो उन्होंने गाने मेरे को एक दो सुने, बाबुल की दुआएं लेती जा, तो उत्थे ना मैंने कहते जी मैं रफ़ी साहब का थोड़ा दस्या। पहली दफ़ा मैं गया किसी के रैफरेंस का, मैं रफ़ी साहब का जिक्र कितों कहा, रफ़ी साहब के भाई होंगे ने इतने, सके सदीक साहब 3 साल छोटे ने रफ़ी साहब तो, ते वो इतने आते, तो मैं तो जनाब मतलब मैं तो वो जिमें वो कहते ने ना कि भी मैं वो दारी लभ जाए, वो गलियां ही लभ जाए, जिते रफ़ी साहब फिरते, जिते रफ़ी साहब उन्होंने निस्बत ना कोई चीज़ लभ जाए, तो मैनू सके भरा मतलब, तो उजारी बात है उन्होंने, फिर शक्ल भी मिलती होएगी उन्हें, वो है खून ही उन्हों का। मैं तो जनाब पागल हो गया मैं हूँ। अच्छा उदो मेरा स्ट्रगल का दौर से लाहौर च, मेरा कोई वाकफ नहीं, कोई रात स्टे कर चक्कर नहीं, दूर दूर तक कोई सलाम दुआ नहीं, पैसे भी उन्ने क जिन्ने क मतलब कि ना वो अपन सिकटा का कोटा पूरा, तो जान का किराया ला देना, तो आन का जराब च रख लेना कि दिल भी करे ना, मतलब एड्डी दूर पैसे लकोलने अपने अंदर ही। अच्छा जिस दौर की गल उदो जराबा होंगे सन वैसे? सर मैं तुम दस दाना कि अपने अंदर ही इन्नी क दूर लगा लेने कि दिल करना ना यार मैं भल्लिया की प्लेट खा लवा, तो वो लभद लभद रेहड़ी काफ़ी पिछे रह जाती के मतलब इस तो कि यार ये खर्चे ना जान। अच्छा। क्योंकि मैं जरा चटखोरी चीज़ों का शौकीन हाँ, आडे अज तुम निम्स वाली गल दसी ये भी ओदी मुहब्बत चटकोरे पुणे की मुहब्बत आ मैनू अच्छ वो जनाब मैं अच्छा हूँ वह भी मैं अज नबी जे तो मैं हूँ रात भी रहनी उत्थे उन्होंने कहा जी कल आ रहे ने मतलब वो गल हुई ना तो मैं कहा जी कदों दे कहते उन्होंने सुबह आना 11 to 12 वो सर मैं क्या मैं तो नहीं जाना मिलन तो बगैर लेकिन पूरे लाहौर च एक भी तलक ऐसा नहीं कि जिते मैं रात गुजार सक मैं डॉक्टर साहब हूँ वो भी बिल्कुल अजनबी पहली दफ़ा मिलिया तो मैं क्या मैं इन्होंने कह जी मैं रात इतने रह लवा तुम घर चले जाओ अकैडमी खुली छड़ के तो वो अगले जो कह दें भी नहीं जी तो मैं तो रफ़ी साहब के अगे तो बाद च फिका पैना इन्ना अगे मैं पहले पै जाना जाहरी गल आ तो अगले दिन रफ़ी साहब के भाई को मिलदे भी मेरे जेह जी शर्मिंदगी होनी इन्होंने रात भी नहीं तो बहर कड़िया मैं कुछ नहीं उन्होंने कहा मैं कह लो जी फिर अच्छा मैं बैठा रहा कि जिनी देर ये बेंदे ने वो 1 बजे ना वो मैं तो भट साहब ही रह गए बाकी सारे हौली हौली चले गए अच्छा हूँ भट साहब कहें सजाद साहब मैं कह चलीए भट साहब 1 बजे बहर आए हैं उन्होंने कुंडी लाई है पौड़ियाँ थले उतरे असी तो बहर रोड से इछरे ना लो जी कहें मैं कह जी हूँ उन्होंने नहीं पता भी इन्हें हाथ मिला के इन्हू पता ही नहीं मैं जाना कितने वो चले गए इन्हें तो मैं ना सामने गली च वड़द मतलब उस वो जरा मैनू कोई थकावट नहीं कोई टेंशन नहीं ना मैनू कोई भुख फील हो रही है ना मैनू कोई मैनू यह है कि सवेरे मैं रफ़ी साहब के भरा मिलना लो जी वो मैं ना फिरदा फिरदा वाह वाह पता नहीं किधर निकल गया तो पटरी आ गई लाइन आ गई ना पटरी ट्रेन की वो सामने एक होटल से उतो मैं चाय पीती एक तो वो ना अक्सर पटरी के नाल कोई घर की मंजियां टैप पुंदियां ने कोई जेडे वे लागे रेंगे ने वो मैं मंजी पर बह गया नेरे के यानी ना हाले 2:30 का टाइम नेरे चुन मैं हिसाब लाया कि मेरे को पैसे जड़े ने यहाँ को कड़ लवे जे मेरी अख लग गई वो मैं जनाब उतों ना एक डोरी जी लभी तो मैं जराब के बिल्कुल थले ना अड्डी दे कोल पैसे वाड़ के तो जराब के उत्ते ना मैं वो लत्त ते बन के डोरी
ते दूजी दूजी जैनवन मतलब ढाड़ी गंढ बनी पूरी करके खुल जाती नाला गंढ जिन्हों कहते नहीं मैं ढाड़ी गंढ बनी जी पक्का सुर लगा है ना खर्ज पहले खर्ज फिर पंचम खड़े सुर दोवें ही भी खुले ना तो जे कोई खिचू मैं कहना कोई खिचूगा तो जाहरी बात है मेरी लत हिलेगी तो गंढ खुलनी नहीं लो जी वो मैं उच्च पैसे रख के तो मैं जनाब अच्छा मैं लम्मे पिया पिया यही रफी साहब के भाई तो ये वो यही सोच रहा तो मैं सौ गया वो पटरिया के नाल डॉक्टर साहब को साढ़े पाँच पौने छे बजे ट्रेन लंघी है मेरे लागों तो किन्नी दूर पटरी होनी पाँच सत्त फुट होएगी हूँ हिसाब लाओ भी सन्नाटा आओ तो वो एक बहुत बहरला इलाका नहीं सी जिथों ट्रेन खाली लंघती एक मतलब ना वो थोड़ा जहा गुंजान यानी एक दो दुकाना भी ने महला भी आ लाहौर के बच्चे ही जाहरी गल आ तो उतों ट्रेन को सठ सत्तर की स्पीड से लंघ दी सुबह के टाइम की आलम होएगा कि तुहानू एकदम जिदा उहदा साउंड वजा लंघी है सर मैं मेरे दिल की धड़कन बंद सह मेरा बंद मैनू उठ के ना कुछ सैकेंड समझ नहीं आई कि मैं है कितने तो हो दिया जदों लंघ गई है कुछ सैकेंड बाद कोई पच्ची तीस सैकेंड बाद मेरी मैमरी वापस होनी शुरू हुई तो मैं याद होना शुरू होया कि मैं इतने सदा सा लो जी फिर नहीं मैं सुता फिर ड्राइवर ने बड़ा ताई पुणा किया कि एडा सुरीला सर नहीं नहीं उन्होंने की पता सी भी अगे भाए सुते ने उन्होंने तो नहीं बेचारे पता कि रफी साहब की मुहब्बत अगे पई लम्मे तो वो जनाब मैं फिर उतो ही फिर एक होर चाह पीती उस रेट पर सिगरट पीता सिगरट का मैं एक हिसाब रखे हों कि डेढ़ घंटे बाद एक पीना अच्छा डब्बी नहीं रखते हिसाब रखते सिगरट नहीं नहीं सर डब्बी होंगी सी डब्बी च सिगरट जे खुले होंगे यानी पूरी डब्बी नहीं सी होंगी दस लै ले पांच लै ले तो फिर भी आ हूँ सुबह के अपना दस बजे ने ना रात के तो सुबह दस बजे तक पांच पीने ने इन कैलकुलेटड नशाई हो तुम माशाला अडिक्ट हो ना सिगरट दे तो कैलकुलेटड हो नहीं 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 सर पैसे नहीं सी होंगे मजबूरी मजबूर यस पैसे नहीं सी होंगे नहीं तो मैं तो छड़ दियो गल डंडा कट्ठा आहो वो सर मैं ना फिरद जाके ना कोई दस क बजे अकैडमी के थले जिते पौड़िया से ना जो पौड़िया पौड़िया के कोल मैं बह गया एक जगह से साढ़े दस ग्यारह सवा ग्यारह बजे भट साहब आ गए बिशारत भट साहब सजाद साहब तुम गए नहीं वो बिशारत भट साहब एडे अच्छे सिंगर ने उन्होंने मैडम नूरजहान भी गाया फिल्मों तो गए नहीं तुम मैं क्या नहीं जी तो हाल मेरा बुरा वाल उस तरह लेकिन मेरे चेहरे तो वो इंतजार की और खुशी जी सी ना मैं क्या नहीं जी मैं सदीक साहब मिल के जाना तो तुम कितने रहे रात मैं क्या जी मैं भट साहब इधर वो यार अल्लाह दे बंदे हो तुम दस दे तो सही तुम इतने रह लेंगे मैं क्या जी हूँ तो चलो हूँ ट्रेन वाला भी ना कि ला शौरी चल रहा हाले डर मुकया नहीं यानी वो एक हादसा जरा खैर बह गए जनाब मूँह छूह धोता तो उठ हूँ डॉक्टर साहब वो टाइम नहीं गुजर रहा साढ़े बारह बजे ने तो उन्होंने फोन आया बिशारत भट साहब न तो उन्होंने फोन सुनया तो किसी ने कहा कि उत्थे मुंडे एक दो बैठे यार वो सदीक साहब आ गए लो जी वो मैं उठाया मैं क्या जी मैं लैके आना भैन को चौथी मंजिल से वो चार वो फ्लोर से पौड़िया के मैं इंज इंज घूमता घूमता थले आया तो आखिरी जी उधरों पहला पौडा सदीक साहब वालों तो मेरे वालों आखिरी तो मैं जो आखिरी तो पैर रखन लगा तो उस तो पहले उन्होंने सोटी इंज करके ना उस पौडे पर आई हो बई डिटो रफी साहब की शक्ल सदीक साहब की यूट्यूब पर पे उन्होंने क्लिप अगर रफी साहब होंगे ना उस टाइम तो वो एज फैक्टर या चेहरा झुरियाँ तुम कहना जी होंगे ना तो सेम इदा हूँ ऐ होने से इन्नी शक्ल मिलती सी मैं उन्हें इंज हथे हाथ किया तो उन्होंने उन्होंने तो नहीं पता उन्होंने मेरे वाल देखे उन्होंने मेरे अगर कई मिलते होने तो वो उन्होंने हथ किया इंज तो मैं इंज हथ किया तो मैंने कहते जी वो नज़ाकत मासूमियत और वो जी उन्हें की कहें एक सॉफ्टनैस वो जी रफी साहब वाली सेम हुई आवाज़ भी उदा ही बोल रहे हैं तो कहते कि जी बेटा मैं क्या सर तुम कुछ ना पुछो बस मैं हाथ दे दौ आप उन्होंने मैं हाथ फड़ाया मैं वो एक एक पौड़ा उन्होंने फड़ के चढ़ाया उत्ते बह गए भट साहब हूँ सारे बैठे ने मैं सिर्फ उन्होंने मूँह वेखी जा रहा तो मेरी अखा चथरू डिगी जा रहे अकीदत का यह आलम मैं महसूस नहीं हो रहा कि रफी साहब नहीं एक लम्हा भी नहीं मैनू लग रहा कि यह रफी साहब नहीं गए ये उन्होंने भरा ने मैं नहीं लग रहा मैनू इंज ही लग रहा कि रफी साहब बैठे ने उन्हों की देखनी चाखनी यार हूँ तुम एक बंदे इन्ने साल देखे वो चेहरे देखे
और तुसी ख्वाब च उन्हों देखे और तुसी तरसे और तुहानू सेम उही डिजाइन सेम उही एक्सप्रैशन अखां दे नक दे होंठ ठोडी हर चीज़ उसे ही बाप का दूसरा बेटा जिस बाप का मुहम्मद रफ़ी बेटा सी और शकल भी उन्नी मिलती तो वो तुहाडे सामने बैठा तो मैं मैनू तो यही लगे कि रफ़ी साहब बैठे ने लो जी मैं अच्छा मेरा ना ज़्यादा मैंने इंज लगे मैं उच्ची उच्ची रोवां मतलब मैं इन्होंने जफ़ी पा के ना रोवां मैं अकैडमी चो बाहर निकल के बाहर जाके तो मैं खुल के मतलब मैं रोया कि यार खुशी च यार वो व्हाट्सअप आए बार मैंने कहते सजाद साहब की हो गया मैं क्या व्हाट्सअप नहीं वैसे ही मैं कहते नहीं मैं समझ सकता वो भी बहुत व्डे फैन से तो अंदर आए तो उन्होंने जो देखा ना मैं रोन लग पाया तो मैं उन्होंने हाथ पैर घुटन लग पाया तो मैनू कहते बेटा तू कित रेंदे हो तुसी मैं क्या जी मैं फैसलाबाद आया तो मैं क्या जी मेरी एक ख्वाहिश आ फैसलाबाद जिन्हें मेरे तलक वाले ने ना सारियां नू पता है कि मैं रफ़ी साहब का दीवाना वा अगर तुसी उत्थे आ जाओ ना एक बारी तो मैं एक बहुत अच्छी महफल करांगा तुहानू विच बिठावांगा और मैं सिर्फ ये दसांगा कि यार मैं एक बंदे नाल मुहब्बत कीती सी ते ए देख लो अज मतलब वो तो नहीं लेकिन तुसी ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं तो मैनू कहिंदे यार तेरा ना ए मुहब्बत देख के प्यार देख के तो मैं जा वादा करता मैं जरूर आवांगा मैं कहा जी बस उन्होंने गाने सुनाए दुनिया के रखवाले सदीक साहब ने सदीक साहब सुर च सी लय च नहीं सी लय च बहुत ज्यादा लय च नहीं सी क्योंकि उस उदा पड़े तो नहीं सी ना लेकिन जो ट्रिक सी ना वो दुनिया के रखवाले उन्होंने सुनाया तो उन्होंने इंज आराम ना बैठे बैठे सारे चारे अंतरे कह के सुर उत्ते थले तो मैं ट्रिक वेख रहा कि यार एक की कुंडी सी और क्योंकि उन्होंने नाल खड़े रफ़ी साहब नूं सुनिया फिर उन्होंने मैं कहा जी मैनू सिर्फ रफ़ी साहब दीआं गल्लां सुनाई जो उन्होंने ऐसी ऐसी मज़ेदार गल सुनाई मैनू अच्छा इत्थे असीं रोकांगे अच्छा ये तो हुण मुलाकात हो गई रो भी लिया कि इद्दां दा भी इज़हार करदा लेकिन सजाद साहब जिहड़ियां सदीक साहब ने गल्लां तुहानूं सुनाईआं उन्हां चों कोई एक दो ऐसियां गल्लां कि जिहड़ियां अज तक किसी ने सुनियां ना होण उह कोई एक दो गल ते शेयर करो ना सदीक साहब कहिंदे जी कि मैनू दिलों दिलों ना मधुबाला चंगी लगन लग पई मतलब हुंदा ना उदों अट्रैक्शन हो गई नैचुरल आ कोई गलत नहीं मैं उन्हूं कुछ किया वो कहिंदे जी मैनू मधुबाला चंगी लगन लग पई रफ़ी साहब नूं शक पै गया कि चामका ना बच्चा जिथे मैं जाना ना वो तो शेर हुंदा क्योंकि वो बहुत रफ़ी साहब दार ही गल आ ते उन्हां नूं खुड़क गई कहिंदे लो जी उस बंदे नूं भाई नूं ना खुड़क गई हुण उन्हें मैनू बाज़ किदां कराया रफ़ी साहब ने सदीक साहब बाज़ किदां कराया सदीक साहब अपने मूँह दस रहे हैं तो शकल कहिंदे मेरी इन्नी कु रफ़ी साहब नाल मिलदी हुंदी सी कि मेरे को भुल के लोग आटोग्राफ लै लैंदे सी इन्ना मैं करीब सी करीब सी वो कहिंदे ना खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो गाना हिट होया वो गाने की एक होर गल भी ये है कि रफ़ी साहब ने ख्वाहिश की सी कि मैंने ये गाना सिनेमा में सबसे आगे बैठ के सुनना है अपना इन्ना पसंद सी रफ़ी साहब तो उत्थे बैठ के भी उन्होंने सुनिया तो कहिंदे मैं ना वो विच एक जगह उन्होंने बड़ी खूबसूरत कही तो मैं उठ के कहा वाह रफ़ी साहब तो लोगों ने पिछले समझा कि रफ़ी साहब ने मतलब मेरी शक्ल इन्नी मिलती सी उस गाने तो बाद या पता नहीं किहड़े गाने तो बाद मधुबाला ने अपने घर एक रैड कारपेट एक पूरा माहौल बना के ना तो वह एक दिता उन्होंने अवार्ड को मिलिया सी उस गाने तो खिलौना जानकर कहिंदे मैं बड़ा राजी हुण मेरी तैयारी भी चाम रहे ने रफ़ी साहब सुबह की कि ये बच्चा किदां तैयार हो रहा इहनूं किड्डी अग लगी है तो उन्होंने कहते उन्होंने पक् हो गया कि भई ये कोई गल है तो उन्होंने भी हुण दिल च मेरे नाल कोई गल नहीं की ना मैं उन्होंने की इंज कहिंदे जी असीं रैड कारपेट ते असीं दोवें जा रहे हैं साइडां ते औरतां फुल सिट रही ने सामने मधुबाला रिसैप्शन देने ना मतलब खड़ी तो कहिंदे इंज लागे गए हैं तो मैं कहा जी सलाम अलैकुम पहले रफ़ी साहब ने कहा अदाब सलाम उस बाद मैं भी कहा जी सलाम तो रफ़ी साहब कहते नहीं नहीं सलाम नहीं बाजी से हाथ मिलाओ बड़ी गुज्जी सट मारी कहते सजाद साहब मेरा वो जड़ा सारा कुछ सी ना वो इंज करके ही नथील जुमा हो गया सारा कुछ यार यानी कि तुसी ये देखो कि असी उन्होंने एज ए सिंगर जानने हैं किन्ना पक्का सुर उन्हों का किन्ना मिठा आवाज लेकिन उन्हें बीइंग ए ह्यूमन बीइंग इंसानियत के तौर पर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर की वो जहानत है अच्छा ये हुण
अगर तुम रफी साहब से गल करनी ना तो कल इस टाइम तक नहीं मेरे को मुकड़ी मेरे को मुकड़िया वो तो मैं रफी साहब पिछले जो 30 जुलाई उन्होंने बरसी गई है 31 जुलाई तो हाले 5-7-10 दिन ही होए ने तो या तो उदों आप प्रोग्राम करते तो फिर सारा रफी साहब से करते नहीं अल्लाह मेरी जिंदगी करे तुहाडी दा तो पता नहीं 31 जुलाई नू अगर तुसी भी होए ते तुसी 31 जुलाई नू मेरे को आना आप 31 जुलाई नू रफी साहब की जो बरसी होएगी उन्होंने सारिया पूरा इंटरव्यू रफी साहब से करांगे। नाज़रीन तुसी सुनिया कि एक ऐसी मज़ेदार गल किस तरह उन्होंने सम अप किया सजाद ने कि वाकई क्योंकि मैं तो सजाद साहब नू जानना ना कि ताल्लुक है इन्हों का रफी साहब ना तो बिल्कुल हकीकत है ये साडा तुहाडा प्रोमिस बशरते जिंदगी तो बशरते जिंदगी असी नैक्सट ईयर 31 जुलाई नूनू ये प्रोग्राम देंगे कि जिदे चो गुफ्तगु रफी साहब के मुतलक वो मालूमत जिड़िया अज तो पहला तुहानू किसी ने नहीं दित्तियां लिहाजा हुण ये चैप्टर क्लोज करके असी अगे टुर रहे हैं। सजाद भाई तुहाडी पहली मुहब्बत गाणा और गाने लिए मैं जानदा कि तुसीं किन्नियां कुर मेरी पहली मुहब्बत गाना नहीं मेरी पहली मुहब्बत की वजह तो गाना अल्लाह 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 लेकिन ये हुण गल खोलनी हाँ कोई इशू नहीं मसलन मतलब गाने का तुसी पूछ रहे हो कि गाना पहली मुहब्बत की वजह तो गाना हाँ वो इस तरह होया कि उही जिस तरह सदीक साहब हर बंदे नूं इस तरह होंदा सर भी किड्डी क सोहनी मैनूं कुड़ी लगी होएगी डॉक्टर साहब बरीकी तो मैं अंदाजा कर सकना और अज दे बच्चे शायद जदों कोई कुड़ी सामने आउंदी ना क्योंकि अज बड़ा बहुत कुछ देख लिया है बहुत कुछ नैट ने व्याह तो शादी तो लड़की नू निकाह तो या मिलन तो पहले ही नैट दिखा देंदा कि ऐ कुछ हुंदा जे समझ रहे हो गल सानू नहीं सी पता जदों असी 14-15 साल दे सां masoom.com नहीं तेज़ भी सी ना अच्छा। पता ही नहीं सी कि अगर ये लिबास आ बदन है की बदन की हुंदा है हवस की हुंदी है इहदी फील की हुंदी है अज बच्चे ने भावें टच भी ना किया हो लड़की नू लेकिन कुछ हद तक उन्होंने इंटरनेट ने फील समझाती उदो सानू नहीं सी हुंदी लिहाजा उदो सिर्फ पाकीज़गी हुंदी सी क्योंकि तुहाडा ध्यान ही नहीं जा रहा तुहानू पता ही नहीं जिसम की फीलिंग हुंदी सैक्स की फीलिंग हुंदी तुहानू पता ही नहीं तुसी चेहरा ही वेखी जा रहे बस समझ लो ना गल ओ प्यार और इन्ना कि तुहाडी सोच होनी अक्सर इस तरह हुंदा है कि मुहब्बत जिहड़ी हुंदी ना वो तुहानू कितें होर ले जाण लई उहदा रस्ते च इक सवारी टैप बन जांदी है बड़ी गहरी गल कि तुसीं उत्थे ठहरदे नहीं लेकिन वो तुहाडा कनैक्शन कितें वो लड़की हुंदी लड़की दे नाल ही ओह मुहब्बत तुहाडा कनैक्शन कितें होर जुड़वा के आप फारग हो जांदी है अक्सर इस तरह हुंदा है ते अकलमंद बंदे जिहड़े ना फिर उस कनैक्शन करते वो हल नहीं करते तो बेवकूफ बंदे सारी जिंदगी वो चक्कर लगे रहेंगे वो यही देखते दे कि अगों मेरी कितने लैन मिलती जी मैं जोड़ नहीं रहा। अच्छा ये नाज़रीन ने बड़ी नसीहत की और लॉजिक की गल की सजाद साहब ने तुम इन्हों का सिर्फ वो जुगत वाला अंग देखा तुम इन्हों की गलों की गहराई देखो जी सजाद साहब कंटिन्यू तो वो मेरे ना भी इस तरह होया कि वह चंद दिन या चंद महीने वो जे मुहब्बत गुजरे उन्हें मैं बड़ा बरीक कर दिता उस सोच ने उन्हें ही सोची जाना बिल्कुल उन्हें ही सोची जाना वो इंज लगना जिमें खाब आ कोई कभी वोदिया अखा सोची जाना कभी वो नक् होंठ सोची जाने उन्होंने वेखन तरसी जाना वो खैर एक टाइम ऐसा है कि उन्होंने हल्की जी भिणक पै गई कि एक करैक्टर ना मेरे सिर आ मेरे पिछे है उन्हें मैं एक मौका ऐसा मिले कि उन्हें मैं सैड तले जा के ना तो उन्हें मैं कहा कि पहली बार जो मेरे ना हम कलाम हुई तो गुस्से च हुई ऐसा ते ना मेहंदी के नाल ना लिख लिया वो किसी ने वेख लिया बेवकूफी सी मतलब उदो नहीं पता लगता कि एक ये बड़ा चक्कर आ लेकिन एवं तो कहते ना इश्क अकल खफारग हो जाती है उन्होंने जो पता लगन तो उदों मेरे ना मेरे तो इंज टुट के पई कि मेरी बदनामी मेरा फलाना मेरा तू मेरा नाँ लिखया मेरा पढ़ लवे मेरा भरा पढ़ लवे मेरे भैन पढ़ लवे मेरे भरा दस दे मेरी की रह गई है वो बोली जा रही मैं वो वेखी जा रहा सिर्फ वो बोल बोल के खबरदार अज तो बाद मेरे ये वो इदा किया था मैं ना वो गई है तो मैं ना दीवार की नुक्कर से सीमट वाला घर से मैं डॉक्टर साहब रगड़ 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 के ना मैं इन्ना क छिल लिया कि पढ़िया नहीं जा रहा क्या नाम की लिखे यानी वो मिटिया तो नहीं क्योंकि मेहंदी बहुत पक्की हो जाती है
ਸਾਈਡਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਨੀ 'ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਜਿਸ਼ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬਲੱਡ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੰਦੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਗੀ, ਯੇ ਵੋ ਫਲਾਂਟਿੰਗ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਲਸਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਚੱਲਿਆ, 27 ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਸਜਣੀ ਕੇਸਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਧੂਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਅਤੇ ਐ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਟੀ ਪਾਂ ਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੈਂ ਬਸਾ ਥਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਦਿਲ ਕੋ ਕਭੀ ਕਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿਆ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ ਤੁਝੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਛੋੜ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਾ ਤੁਝ ਚਾਹਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਾ ਤੁਝ ਚਾਹਤਾ, ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਝੇ ਮੰਗਤਾ, ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਾ ਤੁਝੇ ਚਾਹਤਾ, ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੋ ਸਭੀ ਪਿਆਰ ਕੀਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੋ ਸਭੀ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੋ ਸਭੀ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਰ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਝੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਸਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਿਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਨਾ ਆਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਔਰ ਮੁਖਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ
एक प्रोग्राम जिहड़ा दिता सैवन न्यूज़ ते मैं शुरू किया जो मैं सब तो पहले आया कैम माइक ते वह भी मैं नहीं सी आना मैं एक प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया कि तुहानू मैं एक 25-30 मिनट की स्लॉट एक देंगा उहदे च मैं डबिंग करांगा आ करांगा ते रोड शो मैं किसी को करवा देंगा वो बट साहब साढ़े कलौर मेरे बड़े अच्छे सिकंदर बट साहब दोस्त ने मीडिया च ने मैं बट साहब तुम फैसला बाद आओ तुम यह रोड शो शुरू करना तो डबिंग मैं करांगा रोड शो तुम करना उन्होंने कहा जी ठीक है वह आ गए वह भी स्ट्रगल से सी स्क्रीन लभ रहे थे उन्होंने मैं कहा आ जाओ उन्होंने मैं माइक दिता चाल चौंक दे ना सब तो पहले पहला शो चप्पल जी में पाई क्योंकि मैं तो आना ही नहीं कैमरे अगे लिया मैं उस तरह ही नॉर्मल कैजुअल बिल्कुल उन्होंने मैं ड्रैस पवा के तो उन्होंने हूँ एक बंदे ने गल की तो वो अगों जो जवाब दे बट साहब ने जवाब ना आए क्योंकि बट साहब लाहौर दे सी उत्तो बट सी खा खा के मत तो वो खैर हूँ बाहर बैठे मैं उस इस कल्चर का सी आमद गलबात बेशक कॉमेडियन नहीं लेकिन हाजिर दिमागी वो हूँ वो गल करे तो मैं पाया बट साहब आ कवो बट साहब आ कवो करते करते जब बंद नहीं होता यार मैनू फड़ाओ जरा मैं बट साहब तुम ना माइक दो तुसी इधर खलोवो तुसी सिर्फ देखना कि मैं इन्हों किस तरह मतलब एक कह लो कि भी हल्की जी तीली लाना तो कि बलते हैं लो जी वो मैं उन्होंने माइक फड़िया दसन वास्ते वो माइक मेरे वेल्ड हो गया देना आ गया शोहरत ना मसरूफियत ना जिंदगी की फर्क पिया सर फर्क ये पिया कि पहले जिंदगी अपनी सी टाइम अपना सी लाइफ अपनी सी हुण ऑडियंस दी फैनस दी है हुण अपना कुछ नहीं रहा एक चीज़ का सिर्फ दोखा मैनू कि काश वो ना होंगी लेकिन हो सकता अगर अल्लाह ने उस तरह ही इज्जत शोहरत दी तो कि तुरे जाते ना एक ताड़े दे लग जाए यार एक्टर आ यार इन्हें आ किया जड़ा जुगत बाज वाला एक लेबल लग गया ना वो मैनू कितने कितने अंदर मैनू बहुत अपना अपना छोटा महसूस हों कि तारफ ये होंगे कि तुम तुरे जा रहे जे वो जानी हो जुगत बाज जा रहे यह तारफ ना मैनू कित कदी कदी बहुत दुख दिता है कि बड़ा छोटा तारफ आ ये होना नहीं चाहिए क्योंकि शायद साढ़े इस मुल्क चा बाकी तो कॉमेडियंस दूजे मुल्क सर टॉम क्रूज़ नू सद्या होवे ना एक प्रोग्राम च तो एक प्रोग्राम च कॉमेडियंस नू सद्या होवे तो उहदी ज़्यादा इज्जत हुंदी ऑनर हुंदी उहनू ज़्यादा पैसे दिंदे ने क्योंकि गोरा उस लोग समझदे ने कि ऐ ते स्क्रिप्टिड बंदा ना कैमरे स्क्रिप्टिड उह सानू मुस्कुराहट दे रहा है वह टॉम क्रूज़ नालों कितने वड्डा आर्टिस्ट आ बार लेकिन साढ़े इतने बदकिस्मती ये है कि साढ़े चंद लफ्ज़ा ने बहुत सारे कॉमेडियनज़ नू डिप्रैशन एनजाइटी लैन का मरासी भंड इस तरह के जोड़े वर्ड ने एक कह के दूसरी गल जुगतबाज वो जुगत वाला जानी जा रही वो मैनू उदों ना अपना लैवल बहुत थोड़ा लगता मैं शोहरत तो मिल गई लेकिन मैनू कितने ना कि लगता कि नहीं यार ऐ नहीं सी होना चाहिए जबरदस्त बड़ा बड़ी कमाल गल की सजाद साहब ने और आइंदा ज़हन च रहे कि सजाद साहब का थॉट प्रोसैस की है इन्हों का लैवल की सजाद साहब कोई मुख्तसर गल्लां जिहड़ियां देश के बाहर लोग जानना चाहते हैं इत्थे भी जानना चाहते हैं सब तो जिहड़ी ऐसी सब्जी कि जिन्हों वेख के दिल करता रोटी खाण सर एक गल मैं दस दें कहिंदे ने जिंदगी च दो बंदे कदी तरक्की नहीं करनगे एक जिहड़ा हले पैदा नहीं होया एक जिहड़ा मर गया तो दूजी गल आ नसीहत मेरी पूरी कौम नूं इह आ सर कि तुसीं सब्जी की गल की सब्जी जिहड़ी मर्जी लो छापर डबल लाजमी कराओ तुहानूं आदत है छापर कमाउंदे जाण ते ओ लाजमी छापर डबल अच्छा, लेकिन छापर जो तो डबल कराओ मेरी यह नसीहत है कि वह सब्जी वाला पहला छापर मूँह च पा के दूजा उत्ते चढ़ाउंदा वह फिर दोनों छापर की फड़न वाली जगह इनफेक्टेड हो जाती दन्ना च लै वो तो करोना फैलिया से सजाद साहब ने दसिया एक गोरे ने फोन करके क्या जो मुल्क काम हों कि पहला दो दर्जन केले पा के छापर डबल कर लगे हाँ पहला छापर दंदा च लैना दूजा उत्ते चढ़ाना तो तुम उतो थोक वाली जगह तो फा लेना साड़ी कौम एक भी बड़ी आदत है ना साड़ी बेसिकली मैं जो इनू सारा देखता ना पाकिस्तान इंडिया भी बहुत हद तक साढ़े नाल ही मैनू ना बिल्ली चूहे वाले कार्टून टाइप करैक्टर लगते हैं एक दूजे के पिछे भजे फिरते हैं कोई इन्हों पता नहीं ये नहीं अजीब जे सिलसिले चले आ रहे हैं तो मतलब यो कौम आ कि यू लकीर तो फकीर लगे ने मतलब वो जी तुम सबज चाह पीती कभी सबज चाह किस रंग सबज रंग दी नहीं पिंक होंगी है तो उन्होंने सबज चाह कही जितों उगती है वह रंग का वह ना पाता भी जी बन गई वह रंग का ना लवो जी तुम मंग रहे हो तो उन्होंने कोई यार पिंक चाह दे जी पिंक आ नहीं असी जितों पत्ते उगे ने उत्थे का ना अगों बच्चों भी दसी जा रहे हैं फिर असी बच्चों ये भी दसी जा रहे हैं कि बेटा तू मैनू सताएगा ना तेरे माँ प्यो तेन सतागे तो जो मैनू सता रहे तो मतलब आ तो मैं फिर अपने माँ प्यो सताया होगा
है ना, यानी कि अपना बैकग्राउंड दसता। हाँ लॉजिकली गल है ना कि अगर मेरे मैं अपने माँ प्यो सताया मेरे बच्चे सताउणगे, तो जे मैं अपने माँ प्यो सताया इहदा मतलब उन्होंने सजा मिल रही है, उन्होंने भी सताया सी। अच्छा सजाद मैं ये दस यार, मास्टर मस्कीन साहब को गाना सीखा आप दोनों ने, तैनू उन्होंने की कहा तो मैनू की कहा भला? मैनू मस्कीन साहब ने गल कही सी इस चीज़ के, इस गल के बहुत लोग गवाह ने जैनवन, मैं मजाक तो अलावा मैनू कहते होंगे सी, बहुत लोग अज भी जिंदा ने गवाह ने इस चीज़ के, मैनू कहते होंगे तेरे मत्थे ते ना एक सितारा चमक रहा है, मैं देख रहा एक टाइम आएगा दुनिया देखेगी। सीरीयसली खुदा दी कसम ये उन्हां दे अल्फाज़ ने। अल्लाह अल्लाह तआला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे जी। तो गाने लोग तैनू की कहते, मैनू की कहते? मैनू कहते तू गाना कभी छड़ी ना, तो तैनू कहते गाना कि रखी ना, तैनू कहते मरे कि भुल भी जाया कर, कई लोग कई बच्चे छुट्टियां भी कर लेंगे तो वह भी नहीं करता। अच्छा हार चढ़ जाता है कई घर के बच्चों मार के नानकियां लै जाते, तू एडा पक्का हाँ तू। कभी तू सैड हो, सिर्फ दो लाइन, कभी जो तेरा दिल अंदर दुखया होड़ा गाना गुनगुना? संसार है एक नदी है, थोड़ा जा दो लाइन, क्योंकि अस बहुत ज्यादा गल्ला करना चाहते हैं, कार्ड च जगह थोड़ी है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। ओल यार तुसी जुगत नू रख दो एक पासे, ते तुसी बंदे दा सुर ते उहदी सॉफ्टनेस ते यार चैक करो। सजाद साहब मैनू ये दसो तुसी कि वाले साहब नहीं है, शाहरुख खान का मैं एक जगह पढ़ रहा सी, वो कहिंदे कि दुनिया की हर शै है एक चीज़ की कमी है। मेरा दिल करता सी कि मेरे वालदैन होंदे ते मेरी उह शोहरत इज्जत ये मेरे रंग वेखदे, ते तुहानू कोई ऐसा रिग्रैट है जिंदगी च? चूंकि साढ़े अंकल साढ़े तुहाड़े वाले साहब नहीं है वालदा, अल्लाह ताला उन्हां दी उम्र खिजर करे, कोई इस तरह का रिग्रैट है? नहीं पहले तो शाहरुख खान साहब वो उन्हां दी एक गल कि वह शोहरत वेखदे ना, भी शोहरत जिन्हां दे चले जांदे ने उन्हां दी ख्वाहिश हुंदी है कि काश मेरे माँ बाप अगर दुखी होवे तो कहिंदा काश हुंदे ते अज मेरे नाल हुंदे, सुखी हुंदा ते कहिंदा काश हुंदे ते अज मैनूं देखदे, होवे ना होवे माँ बाप की हमेशा तंग रही है, पहली तो गल है। दूसरी गल सारे ये कि मैं भुल गया की क्या सी, यानी कि एडी अहम गल भुल, अंकल याद आने ने जो दुनिया पेशा। हाँ मेरे वाल साहब मैनू बाद समझ आई कि बड़े अच्छे दोस्त से, उदो मैं मेरे ना दोस्ती बताते दोस्त बनाते, लेकिन उस दौर की सर हूँ फिर कार्ड मुक जाना, नहीं तो मैं तेन बड़ी मजेदार गल दसा। आप मैं इन्ना कहांगा कि अपने बेटियां नू बाप अपने बेटियां नू कदी भी इन्ना अपने तो दूर ना रखो, दूर तो मरा दे कि वह तुहानू डिगे नू उठाउण लग्या शर्म महसूस करे, तुहानू बॉडी नू हथ लाउण लग्या शर्म महसूस करे, तुहानू गले लाउण लग्या शर्म महसूस करे। अज तो 25 30 40 50 साल पहले जिहड़े बाप बेटा हुंदा सी ना, जिद्दां मैं सर असीं इत्थे अपने बाप नू गले मिलना सी शर्म नाल पानी पानी होणी, क्योंकि उन्होंने आदत ही नहीं सी पाई ना मुसाफा करन दी ना नाल लाउण दी ना लाड़ करन दी, डर हुंदा सी प्यो ने घर जाणा बच्चियां ने कमरियां च, बच्चे कमरियां च प्यो कमरे च बच्चे बाहर, प्यो 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 एक हवा जिहा बनाया हुंदा सी। उहदे नाल की हुंदा सी कि बहुत सारे ऐसे मामलात कि जदों तुसीं ज़ईफ हो गए हो तुहानूं कोई चुकना थलना शर्मिंदगी महसूस हुंदी सी, क्योंकि प्यो ने आदत नहीं सी पाई। लिहाजा अपने बच्चों अपने नाल इन्ना क रचाओ इन्ना क लाड़ करो, भावें जवान भी हो गए ने, कि वह तुहाडे नाल गले मिलन लगन, तुहाडे नाल हथ मिलाउण, तुहानूं डिग्गे नूं चुकन लगन, तुहानूं बजुर्ग च मंजी तो चुकन लगन, तुहानूं दवाई देण लगन, ते तुहानूं अपनाइयत और प्यार महसूस होवे, उहनां नूं इह ना होवे कि यार अबू जी वह झिझक ना होवे। अच्छा बहुत खूबसूरत गल की थी, तुसी सुनिया है कि दो औरत इकट्ठिया हो जाए तो उन्होंने गल्लां नहीं मुकदियां। तुसी यकीन करो खुदा की कसम कि सजाद नूं मैं देर बाद मिलिया, तो साडा आपस कैमिस्ट्री इदा दी है कि असी वैसे भी घर च भी डेढ़ डेढ़ दो बजे तक बैठे रहीदा सी, तो पता ही नहीं लगा लाइट की बैटरी मुक गई, मैमरी कार्ड भी मुक गया, इंडीकेट कर रहा बड़ा थोड़ा जहा रह गया, तो गल्लां हजे भी इंज ने कि जिदा शुरू हुई ने। तो सजाद साहब तुसी वादा करो कि जदों दोबारा मिलांगे ते फिर तुसी सानू पूरा टाइम दोगे और फिर दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। जरूर सर, लेकिन तुसी बैटरियां दो लैके आना, मैमरी कार्ड दो तीन लैके आना। ठीक तुहाडे लई कि कैमरे लई? नहीं सर साडे तिन्नां लई। तिन्नां लई? हाँ क्योंकि जिहड़ा कैमरामैन हुंदा ना, की नाम इहनां दा?
समी जाट साहब जो कैमरामैन हों सू एक बड़ी आदत आ कि असी आप बैठे रहने वो बेचारा स्टिल खड़ा रहा तो असं ना नहीं लेंगे साढ़े नाल समी जाट साहब ने इन्हों का बहुत शुक्रिया एक हाथ ना कैमरा लैके खड़े ने बेचारे थोड़ा भी बड़ा शुक्रिया तो इंशाल्लाह सर वादा कि जिस तरह ही मैनू टाइम मिलता पहली फुरसत ही सर आप दोबारा कित बैठ के तो फिर इंशाल्लाह ताला इतों ही सिलसिला शुरू करा क्या बात है सजाद साहब यू आर ग्रेट ट्रूली ग्रेट परसन सजाद साहब अल्लाह ताला इन्हों जिंदगी तंदुरुस्ती देवे तुसी वेख रहे सी बिलू घूमना पंजाब टूडे और पंजाबी लहर रब राखा।